चैनल मैं हूँ ओमनी प्रणा। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक वीडियो, ऐसा वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंस शेयर करने जा रही हूँ। वो पता है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो वैलेंटाइन डे की डेट पे जाने के लिए मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि मेरे को अपने पार्टनर के संग यानी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ वैलेंटाइन डे पे सेलिब्रेट करने के लिए, वैलेंटाइन डे के इस दिन को, इस खास दिन को, क्योंकि ये दिन हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा खास होता है, मेरे लिए भी है। तो मैं यहाँ पे जाने वाली थी डेट पे, तो मैंने सोचा डेट के लिए कुछ तो बाय करना बनता है ना, क्योंकि ऐसी वैसी डेट नहीं है, आखिर वैलेंटाइन डे डेट है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, तो कुछ खास तो होना चाहिए। तो कुछ खास के लिए मैंने कुछ खास शॉपिंग तो की है, जो कि मैंने की है अमेज़न से। यहाँ पर मैंने अमेज़न से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी अपनी डेट पर जाने के लिए। यहाँ मैंने ड्रेसेस ली है, ज्वेलरी ली है और भी बहुत कुछ लिया है, तो सोचा आप लोगों के संग आइडियाज भी शेयर कर देती हूँ और बता भी देती हूँ कि मैं डेट पे किस तरीके से जा रही हूँ, क्या पहन के जा रही हूँ और तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बाय किया है। तो ज्यादा बातें ना करती, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करती हूँ, स्टार्ट करते पहले बात करती है इस ड्रेस की। ये ड्रेस देख सकते हैं आप, इस ड्रेस को मैंने मंगाया था, तो ये ड्रेस फाइनली मुझे मिल गई है और जो कि 4 से 5 दिन में रिसीव हो गई थी, फाइनली कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे मिल गई। यहाँ पे जो मैंने साइज़ मंगाया है वो लार्ज मंगाया है और जो कि कुछ इस तरीके से, इसका जो फैब्रिक दे रखा है वो क्रेप का फैब्रिक दे रखा है, प्रिंट बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर प्रिंट दे रखा है, क्रेप का फैब्रिक है। तो ऐसे फैब्रिक में ना जो ड्रेसेस होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल यहाँ पे ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मल्टी कलर की यहाँ पे ड्रेस है और जो कि यहाँ पे आपको बटन लगे वो मिल जाएंगे, नेक आपको वी शेप का नेक मिल जाएगा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वी शेप नेक है, यहाँ पे आपको प्लीट्स मिल जाएंगी स्लीव्स पे और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बैग मिल जाएगी जिससे स्लीव्स का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पूरी ड्रेस मिल जाएगी, आपको बैग मिल जाएगी, आप चाहो तो आगे भी वेयर कर सकते हैं, आप चाहो तो पीछे भी वेयर कर सकते हैं, जैसे भी आप स्टाइल करना चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नी से नीचे तक आपको ये ड्रेस मंगाई थी। सेकंड ड्रेस मंगाई थी मैंने रेड कलर की ड्रेस, वैलेंटाइन डे पे बहुत ज़्यादा खास होती है, तो मैं कुछ रेड कलर का ड्रेस ढूंढ रही थी, तो जिसमें मुझे ये वाला ड्रेस मिला, मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा। रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि वैलेंटाइन डे था, अदरवाइज इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे थे, आई थिंक 6 से 7 कलर थे। तो इस तरीके से राउंड में नेक या स्लीव्स की बात की जाए तो स्लीव्स आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिज़ाइनर यहाँ पे, मेगा बाजू बोलते हैं आई थिंक वो वाली बाजू है, जो कि बहुत सारी फ्रिल में यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएंगी, स्लीव्स बहुत डिज़ाइनर लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि आप देख सकते हैं कैमरे में भी नहीं आ रही, इस तरीके से यहाँ पे स्लीव्स दे रखी है। यहाँ पे आपको कमर पर इलास्टिक मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फिटिंग आएगी, जब प्लास्टिक के साथ यहाँ आपको यहाँ पे बेल्ट भी मिल जाएगी जो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फैब्रिक, यहाँ पे प्लीट्स बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, मतलब श्रिंक हो रखा है, तो उससे ना ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा घेर है नीचे की तरफ आपको पिक हो रखी है। तो जब मैंने ये ड्रेस बाय की थी तो मैंने सोचा कि इस ड्रेस को मैं फाइनल कर रही नहीं हूँ डेट के लिए, तो रेड ड्रेस है तो रेड और भी कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए लिया है ये ज्वेलरी, जो कि मुझे बहुत अच्छे से पैकेजिंग में रिसीव हुई थी, इस तरीके से कार्डबोर्ड में पैकेजिंग है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से पैकेजिंग में मुझे यहाँ पे रिसीव हुई, और कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वाला सेट मंगाया, जो कि फाइनली जैसा स्क्रीन पे दिया था सेम एज इट इज़ मुझे रिसीव हुआ था, जो कि एडी में है और रूबी बोलते हैं वो वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉलिश दे रखी है, काफ़ी ऐसा नहीं लग रहा कि काफ़ी ज़्यादा चीप है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एलिगेंट सा एडी में है, जो कि एक भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे जर्गन का काम दे रखा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रेड मैंने मंगाया, रेड ड्रेस था। तो इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इयररिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आई, ये देख सकते हैं कितने क्यूट से छोटे छोटे से इयररिंग्स आए हैं, तो ये इयररिंग्स भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। मंगाई है ये वाली रिंग, जो कि मुझे कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में रिसीव हुई है, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही क्राफ्ट कार्ड की यहाँ पे मैंने ब्रांड की ऑर्डर की है, जो कि कुछ इस तरीके से, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे पैकेजिंग में रिसीव हुई है। तो रिंग की बात की जाए तो रिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एडी में, बहुत ही खूबसूरत जरकन का नग दे रखा है, जरकन का काम दे रखा है, बहुत प्यारी लग रही है। तो मुझे तो ये रिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मैं पास से जितना दिखाऊँ उतना ही है, तो मैं अपने हाथ में डाल के दिखा देती हूँ आपको। तो ये रिंग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। रेड कलर के स्लीपर सैंडल्स, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, ब्लॉक हील में है,
जो कि इनका लुक बहुत अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पैरों में बहुत अच्छा लुक दे रही थी, रेड कलर आए और आप डिज़ाइन तो देख सकते हैं, स्ट्रिप्स वाला डिज़ाइन दे रखा है, हील्स भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी हील है, 2 से 3 इंच की हील है, ज़्यादा भी मैंने मंगाया है अपनी डेट के लिए, वो पूरी ड्रेस हो गई, ज्वेलरी हो गई, सैंडल्स हो गए, कुछ तो अधूरा है ना, मोबाइल पर्स पैसे आखिर कहाँ पर रखेंगे, उसके लिए मंगाया ये क्लच। ये क्लच आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा है, मल्टी कलर में है और कॉपर गोल्डन कलर का यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क हो रखा है, काफ़ी हार्ड में सब कोई फैब्रिक नहीं है, एकदम बहुत ही हार्ड है, प्रेस भी नहीं हो सकता, इतना हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लोहे का बना हुआ है आई थिंक, ऐसा मुझे लग रहा है, यानी कि आयरन पर वर्क हो रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से बैक साइड में भी देख सकते हैं, बैक साइड में भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन मिल जाएगी, चेन काफ़ी अच्छी है, पॉलिश काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दे रखी है। तो ओपन होने के बाद आप स्पेस की बात की जाए तो स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है, यहाँ पर मोबाइल पैसे पर्स और तो और यहाँ पे मेकअप का सामान इजीली आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दे रखा है, इसका लुक देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने अमेजोन से इन सब चीज़ों को मंगाया और अभी इन सबको वेयर करके मैं अपनी डेट पर जा रही हूँ, तो थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, मेकअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर करूँगी। मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मैंने सीरम को अप्लाई कर लिया है और यहाँ पे मैंने क्रिस्टल माइक्रो एसेंस जो कि लोरियल का है उसको अप्लाई करके अपनी स्किन पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। अब मैंने आई प्राइमर यानी कि बेस तैयार कर लेती हूँ आईज का, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जेल आईलाइनर अप्लाई किया है क्योंकि मेरे को स्मोकी आई मेकअप चाहिए, तो उसके लिए जेल लाइनर बेस्ट रहता है। अब एक न्यूड शेड लेके जो कि मैंने ब्राउन कलर लिया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, उसके ऊपर अब मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ उस तरीके से, पैलेट पे से मैंने आपको दिखाया है। ग्लिटर अप्लाई करने के बाद जितनी भी एजेस है उसको मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से ताकि एजेस दिखाई ना दें। और फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का, डॉट डॉट करके फेस पर अप्लाई कर लिया और नेक पर अप्लाई लिया है। अब लूज पाउडर से मैं अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर लेती हूँ फेस और नेक का, और उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया नोज चीक बोन्स आईब्रो बोन पे, और लास्ट में मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया था। और लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। तो इस तरीके से मैं वैलेंटाइन डे डेट के लिए मैं तैयार हूँ, जो जो भी मैंने हॉल में चीज़ें मंगाई थी वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे वेयर कर ली थी, और ड्रेस और पर्स क्लच मेकअप ज्वेलरी सब कुछ वेयर करने का फाइनल लुक है ये कुछ इस तरीके से, जो कि आई होप आप लोगों को मेरी कोशिश पसंद आई हो। पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।